मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। और आज बात यूपी की बाजी की, प्रदेश की जनता किस पर होगी राजी, क्योंकि छोटे दल जिस तरह से अखिलेश यादव को अपना समर्थन दे रहे हैं और जिस तरह से अखिलेश का कुनबा लगातार बढ़ रहा है, उससे सवाल बड़ा हो गया है कि क्या यूपी की जनता भी अखिलेश पर राजी होगी, क्योंकि 27 अक्टूबर को मऊ में अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर के साथ मिलकर एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। क्या ये बड़ा ऐलान किसी नए गठबंधन का ऐलान होगा, क्योंकि सवाल एक तीसरे हेलीकॉप्टर का भी है जिसका जवाब ना अखिलेश दे रहे हैं ना राजभर। यूपी की बाजी, छोटे दल अखिलेश पर राजी। मऊ से होगा महासंग्राम, राजभर के साथ अखिलेश भरेंगे हुंकार। 27 अक्टूबर को खुलेगा तीसरे हेलीकॉप्टर का राज। पूरे प्रदेश की निगाहें इस वक्त 27 अक्टूबर को मऊ में होने वाली विशाल रैली पर टिकी है, जहां अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर पहली बार एक मंच पर होंगे। लेकिन लोगों की दिलचस्पी इन दोनों के साथ तीसरे हेलीकॉप्टर पर है, क्योंकि माना जा रहा है कि इस दिन ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के साथ कोई तीसरा भी मंच पर हो सकता है। अब ये तीसरा कौन होगा, इस पर ना ओम प्रकाश राजभर बोल रहे हैं और ना ही अखिलेश यादव। एक बड़े नेता को हम 27 अक्टूबर को माननीय अखिलेश यादव जी को न्योता दे दिया हूं और वो आने वाले हैं। आने वाले हैं और मैं तो दो हेलीकॉप्टर बुक कराया था कि दो हेलीकॉप्टर लेके आऊंगा, हो सकता है वो तीन हेलीकॉप्टर न हो जाए। अच्छा, और कौन होगा? अब 27 अक्टूबर को ही बताएंगे। सवाल हेलीकॉप्टर का नहीं है, सवाल ये है कि ओम प्रकाश राजभर जी का दल और अब जब नेता जाते हैं तो हेलीकॉप्टर में सीट कितनी होती है। अब तीसरे हेलीकॉप्टर के रहस्य से तो 27 अक्टूबर को पर्दा उठेगा, लेकिन जिस तरह से अखिलेश लगातार अपना कुनबा बढ़ा रहे हैं और जिस तरह से दूसरे दलों के नेता सपा ज्वाइन कर रहे हैं, उससे विरोधियों में खलबली जरूर मची है। क्योंकि बस्ती से पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे त्र्यंबक नाथ पाठक ने सपा ज्वाइन कर ली, वहीं बसपा के कद्दावर नेता लालजी वर्मा सपा की साइकिल पर सवार होने वाले हैं। माना जा रहा है कि 7 नवंबर को अंबेडकर नगर की सत्ता परिवर्तन रैली के आयोजक लालजी वर्मा के साथ राम अचल राजभर भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का औपचारिक ऐलान कर देंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का जो कुनबा है उसे बढ़ाने में लगे हुए हैं और इसीलिए तमाम दलों के जो नेता हैं वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आज लालजी वर्मा और राम अचल राजभर समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने अखिलेश यादव को 7 नवंबर को वो जो जनसभा अंबेडकर नगर में करने वाले हैं उसके लिए निमंत्रण दिया। अखिलेश जहां अपना कुनबा बढ़ा रहे हैं, वहीं महंगाई बेरोजगारी के मोर्चे पर भाजपा को खुली चुनौती दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार चीजों को बेच रही है। एयरपोर्ट दिखाई दे जाए तो एयरपोर्ट बिक जाएगा, हवाई जहाज दिखाई देगा तो हवाई जहाज बेच दिए, पोर्ट बेच दिए, रेलवे स्टेशन की जमीनें बेच दी। भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में कपट से धोखे छल के साथ साथ दलदल में खिलाया है झूठ का फूल और कितना भ्रष्टाचार है। मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, ये कहां हो रहा था? इसे झूठ के फूल का समय खत्म हो गया है। साइकिल से तो इसलिए आपत्ति है, इसलिए परेशानी है कि ना साइकिल पे डीजल चलता है ना पेट्रोल चलता है, तो जो डीजल पेट्रोल समाजवादी लोग साइकिल चलाएंगे तो नहीं लेंगे तो मुनाफा किसको मिलेगा? जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल कम था तभी जनता से वसूल रहे थे पैसा। अखिलेश भाजपा को खुलकर ललकार रहे हैं और 2022 की जंग में 400 पार का नारा देकर ताल ठोक रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि 47 से 400 की दूरी कैसे पूरी होगी। तो आज महंगाई है, बेरोजगारी है और लगातार लोगों के साथ अन्याय हुआ है। इतना अन्याय, इतना उत्पीड़न कभी नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है।
इसलिए झूठ के फूल खिलाए जा रहे हैं और झूठ के फूल खिलाएंगे ये लोग। जनता इस बार सावधान है और मुझे खुशी है जिस तरीके का समर्थन सहयोग मिल रहा है, जिस तरीके से दूसरे दलों के लोग आ रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में हो सकता है उत्तर प्रदेश की जनता 400 से ज्यादा सीटें जिता करके अगली सरकार बना दे। वैसे एक बात साफ है कि इस बार यूपी की लड़ाई सपा बनाम भाजपा बनती नजर आ रही है। खुद अखिलेश का जोर भी इसे 1-1 बनाने का है, लेकिन अखिलेश 1-1 लड़ाई में भाजपा को हरा पाएंगे? क्योंकि एक तरफ अखिलेश अकेले हैं तो दूसरी तरफ सीएम योगी के साथ पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी। लखनऊ से अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। और अब बात अयोध्या के टीके की, जो यूपी की राजनीति में जरूरी हो गया है, क्योंकि चुनावी मौसम में कार्ड जमकर खेला जा रहा है और वो है हिंदुत्व का कार्ड। क्योंकि यूपी में चुनाव जीतने के लिए किसी को भी मंदिर जाने से और टीका लगाने से गुरेज नहीं है, और अगर ये टीका अयोध्या का हो तो सोने पर सुहागा। क्योंकि अब इस रेस में अरविंद केजरीवाल भी शामिल हो गए हैं, जिन्होंने राम की नगरी से चुनावी बिगुल बजा दिया है। यूपी का संग्राम अयोध्या से केजरीवाल का जय श्री राम। अयोध्या बना सियासी अखाड़ा, राजनीतिक दलों ने पढ़ा हिंदुत्व का पहाड़। यूपी में चुनावी सरगर्मियां तेज है, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से वोटर्स को लुभाने के लिए हर वो काम कर रही हैं जिससे उन्हें वोट मिल सके। और इस वक्त यूपी में जो सबसे ज्यादा कार्ड चला गया है वो है हिंदुत्व का कार्ड, क्योंकि हिंदुत्व का टीका माथे पर लगाने से इस वक्त किसी को गुरेज नहीं। सबको लग रहा है कि अगर यूपी में जीतना है तो माथे पर टीका लगाना ही होगा, और अगर ये टीका भगवान राम की नगरी अयोध्या का हो तो क्या ही कहें। क्योंकि सोमवार को अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंचे, जहां सरयू की आरती की और ये जताने की कोई कसर नहीं छोड़ी कि भगवान राम का नाम लेने से उन्हें कोई गुरेज नहीं। अगर हम सब लोग मिलके एक परिवार की तरह, 130 करोड़ लोग हम मिलके एक परिवार की तरह, एक टीम की तरह, अगर हम सब मिलके एक साथ काम करें, अपने बीच की दीवारों को गिरा के, अपने बीच के भेदभाव को गिरा के अगर एक साथ मिलके काम करें तो इस देश को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनाने से कोई नहीं रोक सकता। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जब अयोध्या पहुंचे थे तो ये कहने से नहीं चूके थे कि दिल्ली में केजरीवाल जो सरकार चला रहे हैं वो भगवान राम की कृपा से ही चल रही है। वैसे अयोध्या किसी की कोई जागीर नहीं, बसपा ने अयोध्या से ही अपना प्रबुद्ध सम्मेलन शुरू किया था, और तो और हैदराबाद वाले ओवैसी ने भी अयोध्या से ही अपना चुनावी बिगुल बजाया। यूपी की राजनीति में अयोध्या क्या है ये बताने की जरूरत नहीं, और अब तो राम मंदिर बन रहा है। चुनावी बेला में हो सकता है कि कल को अखिलेश यादव या प्रियंका गांधी भी सरयू के घाट पर आरती करते नजर आए, क्योंकि अखिलेश सुबह उठकर पूजा करते हैं, ये बात वो कई बार कह चुके हैं, जबकि काशी में प्रियंका माथे पर टीका लगाए हुए नजर आई थी। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि यूपी में भगवान राम का आशीर्वाद मिलेगा किसे, क्योंकि दावेदार तो बहुत सारे हैं। अयोध्या से ऋषि गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। राम नाम के टीके के बाद अब बात करेंगे प्रियंका की 8वीं प्रतिज्ञा की, क्योंकि चुनावी मौसम में राजनीतिक दल जीत के लिए मुफ्त वाले वादे जमकर कर रहे हैं। एक ऐसा ही दावा प्रियंका गांधी ने यूपी की जनता से किया है। ये दावा है 10 लाख के मुफ्त इलाज का, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि प्रियंका अपनी 8वीं प्रतिज्ञा को पूरा कैसे करेंगी, क्योंकि इससे पहले प्रियंका 7 प्रतिज्ञा ले चुकी है। प्रियंका की हुंकार, यूपी में अब की बार आर या पार। यूपी फतेह के लिए प्रियंका ने ली 8वीं प्रतिज्ञा। 3 दशक का सूखा क्या इस बार खत्म करेंगी प्रियंका? सपा बनाम भाजपा की जंग में अगर एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है
कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने, जिन्होंने यूपी के चुनाव को अपनी प्रतिज्ञा बना लिया है। 32 साल का सूखा कैसे खत्म हो, फिर से लखनऊ कांग्रेस के पंजे में हो, इसके लिए प्रियंका प्रतिज्ञा पर प्रतिज्ञा लेती जा रही है। और अब प्रियंका ने 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज का वादा कर अपनी 8वीं प्रतिज्ञा का ऐलान कर दिया है। प्रियंका का दावा है कि कोई भी बीमारी हो 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज किया जाएगा। इससे पहले प्रियंका ने 7 प्रतिज्ञाएं बाराबंकी में ली थी। लेकिन इन प्रतिज्ञाओं के बीच सवाल मुफ्त पॉलिटिक्स का है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी यूपी में सरकार बनने पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर चुकी है। तो क्या प्रियंका भी फ्री देने वाली पॉलिटिक्स की रेस में शामिल हो गई हैं? वहीं प्रियंका के इस ऐलान के बाद उनके विरोधी हमलावर हैं। उनकी ये जो हवाई बातें हैं उसका कोई आधार है ही नहीं। प्रियंका जी इस बात की चिंता करें कि जिन एक आध राज्य के अंदर उनकी सरकार है वहाँ पर ये काम ठीक से लागू हो जाए, और जितना वो ध्यान उत्तर प्रदेश पर देने का नाटक कर रही हैं कहीं और भी कुछ कर लें। जब कोई व्यक्ति बाजार जाता है तो देखता है कि किस दुकान में सौदा कैसा है और उससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। चुनाव जो होने वाले हैं उसी प्रकार से आप देखिए, जनता मूल्यांकन करेगी किस दल ने हमको जनता को क्या लाभ देने का वादा किया है और कौन लाभ दे पाएगा नहीं दे पाएगा, इसका मूल्यांकन करने के बाद ही जनता मतदान करेगी। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक कर प्रियंका ने 8 प्रतिज्ञाएं ली, क्या वो पूरी होंगी, सवाल यही है, या फिर ये सिर्फ चुनावी मौसम का चुनावी वादा रह जाएगा? क्योंकि मौजूदा वक्त में कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी की रेस में भी बहुत पीछे नजर आती है। ये अलग बात है कि प्रियंका के तमाम प्रयासों के बाद यूपी में कांग्रेस की चर्चा हो रही है, लेकिन इससे कांग्रेस की राह आसान होगी या नहीं ये देखना होगा। क्योंकि सच तो यह है कि कांग्रेस का वोट जो कभी उसकी ताकत हुआ करता था वो उससे दूर हो गया है। ब्राह्मण जहां भाजपा के साथ चले गए हैं तो वहीं मुस्लिम सपा के साथ और दलित बसपा के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और अब बात मिशन 2022 के पूर्वांचल प्लान की, क्योंकि जहां विपक्ष अपनी तैयारियों को धार देने में लगा है वहीं भाजपा ने पूर्वांचल में विकास की झड़ी लगाकर बता दिया है कि इस बार चुनाव में सरकार के काम का जिक्र धुआंधार तरीके से होगा, क्योंकि पीएम मोदी ने काशी से 5200 करोड़ की सौगात देकर साफ कर दिया है कि पूर्वांचल में जो विकास हुआ वो आज तक नहीं हुआ। काशी से पीएम मोदी का हर हर महादेव वाला शंखनाद। काशी की पुण्य भूमि के सभी बंधु एवं भगिनी लोगन के प्रणाम। सात साल में कितनी बदली काशी, पीएम ने सुनाई विकास की कहानी। कुछ समय पहले एक कार्यक्रम में मुझे उत्तर प्रदेश को
9 नए मेडिकल कॉलेज भी देने अर्पण करने का सौभाग्य मिला है। 5500 करोड़ की सौगात, विपक्ष पर पीएम का प्रहार। हेल्थ सिस्टम मजबूत, तैयार है कोरोना का ताबूत। पूर्वांचल को पीएम मोदी ने दिया सबसे बड़ा तोहफा, 64,000 करोड़ रुपए का आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन राष्ट्र को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। यूपी की चुनावी बिसात के बीच पीएम मोदी ने काशी और सिद्धार्थ नगर से हजारों करोड़ की सौगात देकर यूपी में विकास की गंगा बहाई है। विपक्ष भले ही इन सौगातों को चुनाव से जोड़कर देखे, लेकिन जिस तरह से सिद्धार्थ नगर से यूपी को 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात दी गई, उससे साफ है कि मेडिकल क्रांति के जरिए केंद्र की मोदी सरकार और सूबे की योगी सरकार प्रदेश के पूरे हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने में जुटी है। कुछ समय पहले एक कार्यक्रम में मुझे उत्तर प्रदेश को 9 नए मेडिकल कॉलेज भी देने अर्पण करने का सौभाग्य मिला है। इससे पूर्वांचल और पूरे यूपी के करोड़ों गरीबों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, ऐसे समाज के सब वर्गों को बहुत फायदा हो। 9 नए मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करने के बाद पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने बटन दबाकर 5200 करोड़ की 28 योजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें से 15 परियोजनाएं ऐसी हैं जो सड़क मार्ग से आवागमन की सहूलियत बढ़ाएंगी और काशी को जाम से निजात दिलाएंगी। साथ ही पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को लॉन्च किया। ये सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। इस मिशन पर अगले 5 सालों में 64,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके तहत जिला स्तर पर ICU वेंटिलेटर की सुविधा सहित 37,000 बेड्स विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा 4,000 लैब्स बनाई जाएंगी, 5 नए NCDC बनाए जाएंगे। एक तरह से पूरा स्वास्थ्य चक्र मजबूत किया जाएगा। पूर्वांचल को विकास और तोहफों की सौगात देने के बाद पीएम मोदी विपक्ष पर जमकर गरजे और बोलना शुरू किया तो सपा से लेकर कांग्रेस तक को निशाने पर लिया। जो पहले सरकार में थे वो वोट के लिए नहीं, डिस्पेंसरी की कहीं छोटे छोटे अस्पताल की घोषणा करके बैठ जाते थे। ऊपर से गरीबों के हजारों करोड़ रुपए लूटने वाली भ्रष्टाचार की साइकिल, ये भ्रष्टाचार की साइकिल 2400 घंटे अलग से चलती रहती थी। जो पहले थे उनकी प्राथमिकता अपने लिए कमाना और अपने परिवार की तिजोरी भरना था। जिस पूर्वांचल की छवि पिछली सरकारों ने खराब कर दी थी, जिस पूर्वांचल को दिमागी बुखार से हुई दुखद मौतों की वजह से बदनाम कर दिया गया, पूर्वांचल वही उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत को सेहत का नया उजाला देने वाला है। पीएम के निशाने पर जहां सपा और कांग्रेस जैसे विरोधी दल थे, वहीं नजर पूर्वांचल की 130 विधानसभा सीटों पर थी, क्योंकि यूपी की राजनीति में एक ही कहावत काम आती है कि लखनऊ में राज वही करेगा जिसे पूर्वांचल पास करेगा। और पूर्वांचल में विकास और सौगात की झड़ी लगाकर पीएम मोदी जनता को विश्वास दिलाने में लगे हैं कि जितना विकास पिछले 7 सालों में हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। लेकिन इस विकास का जमीन पर कितना असर है और लोगों का मूड कैसा है, इसकी परीक्षा चुनाव में होगी। सिद्धार्थ नगर से सिंगेश ठाकुर के साथ नीतीश कुमार पांडे, ABP गंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
और अब बात नौ रत्न का संकल्प, यूपी का कायाकल्प। यूपी को नए नौ मेडिकल कॉलेज की सौगात देकर सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि जो काम 70 सालों में नहीं हुआ वो 4.5 साल में उनकी सरकार ने कर दिखाया। लेकिन योगी नहीं यही नहीं रुकना चाहते, उनका संकल्प हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का है। कोई भी नागरिक स्वास्थ्य सुविधा के भाव में अब दम नहीं तोड़ेगा। यूपी चुनाव से पहले योगी सरकार की मेडिकल क्रांति, 100 मेडिकल कॉलेज का एक साथ उद्घाटन का कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है। 9 नए मेडिकल कॉलेज की इच्छा की, हर जिले में मेडिकल कॉलेज अभी बाकी। सीएम योगी का संकल्प, यूपी में होगा हर इलाज का विकल्प। नए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भारत को खड़ा करने का एक अभियान। 9 नए मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ कर सूबे की योगी सरकार ने यूपी के हेल्थ सिस्टम को रफ्तार दे दी है, क्योंकि यूपी के इतिहास में एक साथ इतने मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ आज तक नहीं हुआ जो इस बार हुआ है। ये मेडिकल कॉलेज यूपी के विकास की वो झांकी है जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार का अक्ष नजर आता है। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पीएम मोदी भी खुद को सीएम योगी की तारीफ करने से नहीं रोक पाए। यूपी के लोग ये भी देख रहे हैं कि जब योगी जी को जनता जनार्दन ने सेवा का मौका दिया तो कैसे उन्होंने दिमागी बुखार को बढ़ने से रोक दिया। इस क्षेत्र के हजारों बच्चों का जीवन बचा लिया। सीएम योगी ने यूपी में मेडिकल कॉलेज की सुस्त रफ्तार को तोड़ दिया है और साफ कर दिया है कि यह वक्त टेस्ट मैच का नहीं बल्कि 2020 का है। इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि 1947 से 2016 तक यूपी में केवल 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे, यानी 70 साल एक तरफ और योगी सरकार के 4.5 साल एक तरफ। जानकारी के मुताबिक योगी सरकार के कार्यकाल में 16 मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुके हैं, 30 नए मेडिकल कॉलेज पर तेजी से काम भी चल रहा है।